दें कि शाहिद खान आफरीदी कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पहले मैच में क्या सके फाइनल में भी नहीं गए, हालांकि आपके फैन टीम में ना होने के बावजूद तो आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो कितनी मायूसी हुई और उनको क्या पैगाम देने का इंतजार किया? नहीं, मैं जा नहीं पाया, कुछ फैमिली कमिटमेंट आ गई थी। फिर उसके बाद जब फाइनल में पहुंची तो मुझे पता नहीं था कि फाइनल में पहुंच जाएगी पाकिस्तान टीम, तो इसलिए प्लान बन नहीं सका, लेकिन यहाँ ऑलरेडी कमिटमेंट हुई हुई थी जिसकी वजह से नहीं आ सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट। शायद आपके जमाने में पाक भारत जो है, मेरे जमाने में कह दिया, सबके जमाने का बहुत ज्यादा होती है मैचेस के अंदर, हाई वोल्टेज मैचेस होते हैं, लेकिन इस दफा जो देखा गया है कि सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा, आप क्या समझते हैं कि इस चीज को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा किरदार खुशी भी की गई, देखिये आप ऑब्वियसली हर एक को मैं समझ रहा हूँ कि आप कहाँ क्या बात करना चाह रहे हैं। देखिए आप वहाँ से भी रिस्पांस आया है जब हम हारते हैं, अब इस बार इनको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, यहाँ से भी जरा सोशल मीडिया को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा उनको, लेकिन ये चीजें चलती रहती हैं, कोई ये एक क्रिकेट का क्रेज बढ़ाती है, ये एक खूबसूरती है इस क्रिकेट की। हाँ, तमीज के दायरे में रह के हर चीज अच्छी लगती है। नहीं, ओपनर देखिए, क्रिकेट अब माइंडसेट चेंज हो गया टोटली, अब आपको ऐसे बैट्समैन ऊपर से चाहिए जो कि नए बॉल पे अटैक कर सके, तो शुरू से ही प्रेशर डाले, जैसे कहते हैं कि अच्छा स्टार्ट बॉलिंग में होना चाहिए, इसी तरह अच्छा स्टार्ट बैटिंग में भी होना चाहिए, तो हमें एक वहां पे एक नीचे मिडिल ऑर्डर में एक ऐसे एग्रेसिव प्लेयर चाहिए जो शुरू के ओवर में भी चांस ले और आखिर के ओवर में मिडिल ऑर्डर में ऐसा बैट्समैन हो जो आखिर के ओवर में आपको अच्छी हिटिंग दे। कराची अभी मेरी मुलाकात हुई आज ही, मेयर वसीम अख्तर साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने मुझे ग्राउंड का क्या है ग्राउंड दे रहे हैं, इंशाल्लाह अभी मीटिंग करके इधर ही आ रहा हूं, और जिसके अंदर एक अच्छी जबरदस्त एकेडमी प्लान है मेरा, और जिसके अंदर सिर्फ क्रिकेट, पहले भी कह चुका हूं, जिसके अंदर सिर्फ क्रिकेट नहीं होगी, उसके अंदर इंग्लिश कोर्सेज होंगे और कंप्यूटर कोर्सेज होंगे, और जो भी पाकिस्तान के अच्छे बच्चे होंगे वो वहीं आके रहेंगे, जिसे हम जिन्हें हम फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह ये मेरा प्लान है, अल्लाह इसको कबूल करे। पाकिस्तान जीत के आया, आपने कहा था कि मैं खुद वेलकम करने जाऊंगा, उसको रिसीव करने जाऊंगा चैंपियंस ट्रॉफी को, तो आप कब जा रहे हैं सरफराज से मिलने के लिए? सरफराज के पास कभी भी, मेरे ख्याल में जब सरफराज इंग्लैंड में था तब भी फोन पे बात हो रही थी, जब पाकिस्तान आया तब भी फोन पे बात हुई है, चैंपियंस ट्रॉफी पता नहीं था क्या आ रही है, तो इस वजह से अभी पता चल गया, तो इंशाल्लाह जाएंगे। शाहिद आफरीदी कराची में एक तकरीब के दौरान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका यह कहना था कि अब भारत को भी और उनके अवाम को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, पाकिस्तान से रद्द अमल तो सामने आएगा चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के बाद।